हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोग का देसी किचन देसी रेसिपी में। गाइस, आज हम बनाएंगे न्यूट्रेला की सब्जी। एक बार मेरे तरीके से बना के देखिए गाइस, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी भी लगती है। और मेरे घर में, मेरे बच्चों को, मेरे फैमिली में सबको पसंद है। तो ये मैंने 3 आलू ले लिए हैं, 1 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं छोटे साइज़ का, अदरक लहसुन और ये हरी मिर्च की दो दो पीस लिया है। और मैंने ट्रेला लिया है, इसको मैंने भिगो दिया था। और मैंने मटर भिगोया था, उसमें से मैंने थोड़ा सा मटर लिया है। तो गाइस देखिए, अब हम बनाते हैं। सब्जी बनाने से पहले हम लोग न्यूट्रेला को थोड़ा सा भून लेंगे। तो गाइस चलिए हम इसको भूनते हैं। तो गाइस ये हमने कढ़ाई में डाल दिया है तेल, और हम इसमें डालेंगे न्यूट्रेला और इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे ब्राउन होने तक। ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, बस थोड़ा सा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है। इसको ब्राउन होने, गोल्डन ब्राउन होने तक हम ऐसे भून लेंगे, थोड़ा फ्राई कर लेंगे। बहुत कम तेल हमने यूज़ किया है, ज़्यादा नहीं, बस इसको अच्छे से भून के फिर हम सब्जी बनाएंगे। तो हमने भून, तो गाइज हम ले लेंगे तेल, बहुत थोड़ा तेल लेंगे। गाइज हम ज़्यादा तेल नहीं यूज़ करते हैं सब्ज़ी में। और हम इसमें डालेंगे तेज़पात और पंचफोरन। फिर हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ हरी मिर्च, लहसुन, और इसमें प्याज ऐड करेंगे। और हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ अदरक और इसे हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे प्याज को। देखिए हमने प्याज को भून लिया है, इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, थोड़ा थोड़ा ब्राउन करेंगे और वो हो चुका है। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी 1 छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और पकने देंगे। देखिए हमारे मसाले पक रहे हैं। तब तक हम इसमें जो चॉप करके टमाटर रखे थे वो ऐड कर देंगे। टमाटर हमने इसलिए ऐड किया है ताकि इसमें पानी ना डालना पड़े, टमाटर के साथ ही हमारे मसाले अच्छे से पक जाएं। अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक हम अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे, कम कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, तो हम स्वाद के अकॉर्डिंग डालेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से मसाले हमारे पक रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना कटा हुआ आलू, और हम ऐड करेंगे मटर। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना न्यूट्रेला और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सकते हैं कि सारे
सब्जियों में अच्छे से मसाले मिक्स हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च, क्योंकि मिर्च हमने दो ही डाला था तो सब्जी उतनी तीखी भी नहीं होगी और ये मिर्चा भी ज़्यादा तीखा नहीं है। हम अच्छे से इसको, हमारे मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी हम अपने हिसाब से ले लेंगे, सब्जी कम या ज़्यादा अपने हिसाब से। ये देखिए मैंने ऐड कर दिया पानी। और हम इसको अच्छे से पकने देंगे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट में हमारे आलू जो है बहुत अच्छे से पक जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ 20 मिनट बाद। हम लोग एक बार अपनी सब्जी, और ये देखिए सब्जी हमारी बनके रेडी हो गई है, और देखिए कितनी देखने में कितनी टेस्टी लग रही है। तो गाइस प्लीज़ आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल देसी तरीके से है ना, मैंने इसमें बहुत अलग तरीके का बनाया है नहीं, बहुत लोगों के घर में ऐसे बनते होंगे। एक बार मेरे तरीके से बना के देखें गाइस, बहुत अच्छा लगेगा, खाने में भी बहुत टेस्टी है। और अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।